Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss again chapter number 6, Anatomy of Flowering Plants, multiple choice question, and this is the part 2nd video of chapter number 6. 8 questions हमने already complete कर लिए थे and this is the second video जिसमें हम लोग 9th से till 18th question तक हम लोग complete करेंगे. Okay, so question number 1. Interfascicular cambium and cork cambium are formed due to. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं interfascicular cambium क्या होता है. देखिए, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है कि आपको पता है कि डाइकॉट स्टेम, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दिख रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. बना कैसे? डाइकॉट स्टेम हम मान लीजिए इस तरीके से बनाते हैं कि ये डाइकॉट स्टेम का अंदर का पार्ट है, ठीक है, जो कि होता है कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन, इस तरीके से है. ठीक है, इसमें हमारा क्या है, अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका फ्लोएम है, फ्लोएम के बीच में आपका हो जाता है यहाँ पे कैम्बियम. क्या है ये? कैम्बियम. और ये ऊपर वाला फ्लोएम, नीचे वाला जाइलम है. ठीक है, इसी तरीके से एक इस तरफ भी आपका क्या बना है, फ्लोएम, बीच में है आपका कैम्बियम और लास्ट नीचे है आपका जाइलम. ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो है जिस तरीके यहाँ पे साइड साइड में क्या है, मेड्यूलरी रेज है. यहाँ पे साइड साइड में क्या है, मेड्यूलरी रेज. कौन सी रेज है? मेड्यूलरी रेस. ठीक है, अभी मेड्यूलरी रेस है. यहाँ पे क्या हुआ, ये जो परमानेंट सेल्स है, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, कि जो भी जिन्होंने जो फंक्शन बना लिया है, ये डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो मेरिस्टमैटिक बनेंगे. ठीक है, और मेरिस्टमैटिक बन के अपनी कैपेसिटी को दोबारा से रीगेन करके ये यहाँ पे डिविजन करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो भी मैं वर्ड बोल रही हूँ इसका इस क्वेश्चन से लेना देना है. कैसे समझते हैं ये, किस तरीके से दोबारा इनके पास ये प्रोसेस आ गया, वो समझने की कोशिश करेंगे इन ऑप्शंस के थ्रू. सेल डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, तीनों का मतलब पता होना चाहिए. देखिए, डिफरेंशिएशन क्या है, मान लीजिए एक सेल है, वो एक सेल का डिवीजन हो गया और यहाँ पे आपकी दो सेल बन गई, इसको तो हम कहते हैं सेल डिवीजन. ठीक है, अब ये सेल है, इसको नहीं पता ये क्या बनना है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर. अब इनको पता चलेगा कि इनको एक्चुअली में काम क्या है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस सेल को काम बताया कि भाई आपको सेल वॉल बनना है. ठीक है, ये सेल वॉल बन गए, यानी कि इन सेल, इस सेल का डिफरेंशिएशन हो गया. देखिए, पहला स्टेप, इस सेल का क्या हो गया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हुआ. ठीक है, ये सेल वॉल बन गया. अब सेल वॉल जब बन गया तो इसके पास तो अब ये कैपेसिटी नहीं है ना कि दोबारा से डिविजन कर पाए, लेकिन इसके अंदर किसी वजह से, किसी सर्टेन कंडीशन के वजह से इसके अंदर ये कैपेसिटी आई कि ये डिवीजन कर पा रहा है. ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं डी डिफरेंशिएशन. ठीक है, डी डिफरेंशिएशन. ठीक है, इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल वॉल में किसी वजह से कैपेसिटी ये आई है कि दोबारा से वो सेल डिविजन कर पा रहा है, दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, बेसिकली वहां पे मैचुरेशन ऑफ सेल्स हो रहे हैं डिफरेंशिएशन में. डी डिफरेंशिएशन में जो कैपेसिटी है सेल डिविजन की, उसको रीगेन कर रहे हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस में. ठीक है, अब ये डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, यहाँ पे इन्होंने सेल डिविजन किया. ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपकी, ये आपका x था तो ये आपका y बन गया. ठीक है, अब ये जो y है उसने अपनी वो कैपेसिटी, जो सेल डिविजन कैपेसिटी जो अभी इसको मिली थी डी डिफरेंशिएशन के थ्रू, वो कैपेसिटी इसने लूज कर दी. ठीक है, और लूज करके वही बन गया जो ऊपर वाला था सेल वॉल, यानी कि x, दोबारा से x बन गया. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं री डिफरेंशिएशन, यानी दोबारा से वही बन गया जो ये था. ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको और इजी करके समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लीजिए ये रेड कलर की आपके पास बॉल है. ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गई, ये कोई चीज होगा, कोई प्लास्टिक होगा, इसके वजह इससे जो है डिफरेंशिएट हुआ और बन गया ये बॉल. ठीक है, अब इस बॉल में डी डिफरेंशिएशन हुआ, और डी डिफरेंशिएशन होने के बाद ये जो बॉल है वो कन्वर्ट हो गई इंटू ग्रीन बॉल. ठीक, अब ये जो ग्रीन बॉल है, अब ये ग्रीन बॉल अभी काम कर रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ग्रीन बॉल में फिर से किसी सर्टेन कंडीशन में कुछ चेंजमेंट होगा, तो ये ग्रीन बॉल जो है दोबारा से, मान लीजिए ये दोबारा से रेड कलर में बन जाए. ठीक है, यहाँ पे ये दोबारा से रेड कलर में बन जाए, इसी कलर में, ये रेड कलर है, ये भी रेड कलर, मान लीजिए ये भी रेड हो गई. ठीक है, दोबारा से इसी कलर में आ गई, तो इसको हम कहेंगे री डिफरेंशिएशन. ठीक है, ओके, तो ये है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू सेल डी डिफरेंशिएशन. ठीक है, 9 का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलोजन एंड फेलम रिस्पेक्टिवली डोनेट डिनोट. ये क्या है,
पहला है कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम, दूसरा है कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, तीसरा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, एंड द फोर्थ वन इज कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, तो जो फेलोजन है ना, यहाँ पे जो लिखा है फेलोजन, फेलोजन जो है वो क्या है, इट्स अ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। फेलोजन क्या है, फेलोजन जो है वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अब मेरिस्टमैटिक टिश्यू आपको पता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं विच एक्टिवली डिवाइड, जिनके पास डिविजन की पावर होती है, दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, फेलोजन वो है। फेलोडर्म क्या है, यहाँ पे एक और जो मैंने टर्म बोला है फेलोडर्म, ये फेलोडर्म क्या है, फेलोडर्म जो है वो परमानेंट सेल्स है, ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली जो आपकी जो ये आप हमने कह दिया कि सेल्स हैं, ठीक है, जो आपको ये पूरा पूरा दिख रहा है, तो इसमें आपको अंदर की तरफ से आपको पिथ दिख गई। ठीक है, ये अंदर की तरफ जो है वो क्या है, पिथ। ठीक है, हमने डाइकॉट स्टेम को देखा है। अब यहाँ पे बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ ये क्या है, ये मान लीजिए क्या है, कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा किस में काम करता है, कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इनकी जो सेल्स होती है, मान लीजिए इस तरीके की सेल्स हैं, तो इनकी जो सेल्स है एंगुलर थिकनिंग्स होती है, इन सेल्स में एंगुलर थिकनिंग्स होंगी, उसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो कोलेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा एक एक सेल्स की लेयर बनाती है, जिनको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम, और इसी कॉर्क कैम्बियम को हम कहते हैं फेलोजन। ठीक है, इसी कॉर्क कैम्बियम को हम फेलोजन कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इन्होंने एक लेयर बनाई, कोलेनकाइमा ने एक लेयर बनाई। ठीक है, और ये लेयर जो है, ये लेयर कौन सी है, यही यही फेलोजन, ये लेयर है। ठीक है, तो ये जो फेलोजन है, जब ये ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा, यही फेलोजन जब ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा, तो ये बनाएगा कॉर्क। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं फेलम। और जब यही आपका फेलोजन नीचे की तरफ डिवाइड करेगा, तो ये बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम कहते हैं फेलोडर्म, फेलोडर्म। ठीक है, तो यहां पे पूछा है, यहां पे सिर्फ दो का पूछा है, फेलोजन और फेलम को हम किस नाम से डिनोट करते हैं, तो फेलोजन, देखिए फेलोजन क्या है, यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क कैम्बियम ये लिखा है कॉर्क कैम्बियम, और जो आपका फेलम है, फेलम क्या है, फेलम है आपका कॉर्क, तो बी कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेलोजन, ये फेलोजन है, फेलोजन ने जब ऊपर की तरफ डिवाइड किया तो बनाया क्या, कॉर्क, जिसको हम कह रहे हैं फेलम। और यहीं पे ये देखिए, ये लेंटिसेल्स है, लेंटिसेल से जो है गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ब्रोकन एपिडर्मिस, यहाँ पे एपिडर्मिस से टूट चुकी है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो हेल्प कर रही हैं इन गैसेस एक्सचेंज में। ठीक है, यही फेलोजन जो है वो जब नीचे की तरफ डिवाइड करता है तो बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम कहते हैं फेलोडर्म। ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट। एपिडर्मिस किस में एब्सेंट होगा, तो एपिडर्मिस तो देखिए प्लांट बॉडी के चाहे अप एंड डाउन हर जगह प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट रूट टिप एंड शूट टिप। क्यों यहाँ पे एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे होती है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, मेरिस्टमैटिक सेल्स या टिश्यूज। ठीक है, और ये मेरिस्टमैटिक टिश्यूज या सेल्स जो हैं वो दे ग्रोज कंटिन्यूसली, लगातार ये ग्रो करता रहता है। ठीक है, लगातार ये ग्रो करता रहता है। ठीक है, यही दो चीज है। तो रूट टिप आप मान लीजिए रूट देखे तो उसका जो एकदम टिप वाला पोर्शन, इसको हम रूट टिप कहते हैं। शूट अगर आप देखे तो उसका जो एकदम टिप वाला पोर्शन, दैट इज शूट टिप। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए शूट एपिकल मेरिस्टम, ये वाला आपका एपिकल मेरिस्टम। रूट में देखिए यहाँ पे आपका ये रूट का एपिकल मेरिस्टम है, क्वेसेंट सेंटर यही प्रेजेंट होता है। शूट बर्ड एंड फ्लोरल बर्ड, ये बर्ड की बात कर रहे हैं, फ्लोरल से आपका यहाँ पे फ्लावर बनेगा। ठीक है, शूट बर्ड स्टार्टिंग वाला। ओव्यूल, ओव्यूल जो आप फीमेल गैमेटोफाइट देखते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको फीमेल गैमेटोफाइट दिख रहा है, जिसमें एंटीपोडल, तीन एंटीपोडल सेल्स होते हैं, दो सिनर्जिड्स होते हैं, एक एग सेल होता है, दोनों को मिला के आप कहते हो एग एपरेटस, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, एग के पास यहाँ पे सिनगैमी हो रही है, दोनों को मिला के हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये ओव्यूल है, और यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही ओव्यूल कन्वर्ट होकर क्या बनाता है, सीड। तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है पेटियोल और पेडिसल। पेटियोल और पेडिसल क्या होता है, मान लीजिए ये कोई स्टेम है और स्टेम से इस तरीके से लीफ निकली हुई है। ठीक है, तो लीफ जिस पार्ट से इस स्टेम से अटैच, मतलब ये वाला जो डंडी है, इसको हम कहते हैं पेटियोल।
लेकिन जिस पार्ट से ये इस स्टेम से जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिसिल। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिसिल। तो आंसर हो जाएगा रूट टिप एंड शूट टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ अ प्लांट पोजेसिंग 4 ब्रांचेस एंड 26 लीव्स। तो 26 लीव्स का यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए 4 ब्रांचेस पूछा है, कितने एपिकल मेरिस्टम होंगे शूट में। तो देखिए अगर मान लीजिए एक ये प्लांट है तो इसमें 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस है तो इसका ये वाला पार्ट यानी कि ये 4 तो आपके पास अपने आप हो गए एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और ये जो मेन ब्रांच है इसका भी तो टिप है, ये भी तो टिप है, तो यहाँ पे टोटल लगे कितने हो जाएंगे 5। तो टोटल आपके पास 5 शूट एपिकल मेरिस्टम्स होंगे। ठीक है, 4 ब्रांचेस के और एक ओरिजिनल ट्रंक के, तो टोटल आपके हो जाएंगे मेरिस्टम कितने 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अ पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल मस्ट बिलोंग टू। ठीक है, जिसमें वेसल्स ही नहीं होते। अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वेसल्स एब्सेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक किसमें होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट दोनों में ये टेरिडोफाइट। ओके, दोनों में ये चीज, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उनमें वेसल्स नहीं होते, लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कौन है? एक तो सिलेजिनेला है, ठीक है, सिलेजिनेला, और दूसरा एक्सेप्शन है नीटम, दूसरा एक्सेप्शन है नीटम। बल्कि मैं कहूंगी कि इस तरीके से निटेल्स, जिम्नोस्पर्म में एक पूरा का पूरा ऑर्डर ही है निटेल्स। ठीक है, इसमें आपके ये नीटम आ जाते हैं, आपका फाइड्रा आ जाता है, ये सारे जो भी हैं इन सब में वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब एंजियोस्पर्मिक की कैटेगरी में होते ही जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इनको, इनके पास जो ये कैरेक्टर है कि इनमें वेसल्स पाया जा रहा है, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। तो जो आपके निटेल्स ये ऑर्डर है, ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन आपके एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बीच में। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा वुड का वो पीस है जो जिसमें वेसल्स नहीं बिलोंग करते। ठीक है, तो टीक, मैंगो और आपका पाम, ये सब आपका एंजियोस्पर्मिक में आएंगे, इनमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। आपका जो पाइन है उसमें वेसल्स नहीं होते। ठीक है, पाइन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल्स में अगर मैं 3 आपको बता दूं तो एक तो है नीटम, दूसरा है एफिड्रा, दूसरा है एफिड्रा एंड द थर्ड वन इज वेल वेट्सिया। ये तीनों इसी ऑर्डर से आते हैं, नीटम, एफिड्रा और वेलवेट्सिया। इन तीनों में ही वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में ट्रकीड्स प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड शोड द प्रेजेंस ऑफ हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन इन सेल वॉल ऑफ इट्स सेल्स। तो ये टिश्यू कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है जाइलम की बात, यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखिए ना, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम और मेरिस्टम। ठीक है, तो पहली बात, मेरिस्टम जो है ये तो पेरेन्काइमा के सेल्स है। ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स है, और पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ठीक है, ग्रीन होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, और ये सेलुलोजिक होते हैं, यानी ये सेलुलोज के बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा ये लिग्निफाइड सेल वॉल है, लिग्निफाइड सेल वॉल। उसके साथ साथ स्क्लेरेन्काइमा डेड भी होते हैं। ठीक है, डेड भी होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जाइलम, जाइलम की अगर मैं बात करूं तो जाइलम में 3 तो डेड होते हैं और 1 लिविंग होता है। 3 डेड होते हैं, 1 लिविंग होता है। 3 डेड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें होते हैं ट्रकीड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, और एक जो है इसमें पेरेन्काइमेटस भी होता है जो कि लिविंग होता है, पेरेन्काइमेटस। ठीक है, अब लास्ट देखिए कोलेनकाइमा लिखा है, कोलेनकाइमा में जो है, इस कोलेनकाइमा में इसमें हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होता है, हेमी सेलुलोजिक होता है, और उसके साथ साथ इसमें पेक्टिन प्लस सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों ही चीजें आपकी जो है कोलेनकाइमा में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा।
ये आपका कॉलन काइमा का टिश्यू है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से एंगुलर थिकनिंग्स है, जो साइड साइड में आपको दिख रहा है ये एंगुलर थिकनिंग्स है, वॉल थिकनिंग्स है, ठीक है, जिसकी वजह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहा है। यहाँ पे ये न्यूक्लिएटेड सेल होता है, ठीक है, बीच में इतना बड़ा ये वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये सेल वॉल जो है बनी होती है हेमिसेलुलोज की या पेक्टिन और सेलुलोज की, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन कोनिफर्स फाइबर्स आर लाइकली टू बी एबसेंट इन, कोनिफर्स में फाइबर्स जो है वो किसमें एबसेंट होते हैं, ठीक है। तो कोनिफर्स देखिए इस तरीके का पौधा होता है, ठीक है, और ये जो कोनिफर्स होते हैं उस जगह पे होते हैं, ये स्नोवी एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे स्नोई रेनफॉल भी होता है, तो रेनफॉल इस पौधे पे अगर टिके रह जाएंगे, ठीक है, तो जो लीव्स है वो सड़ जाएंगी, इसलिए कोनिफर्स जो है वो इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, ताकि अगर अगर रेनफॉल हो भी, बर्फ वाले रेनफॉल हो भी, तो भी सबका सब फिसल जाए नीचे की तरफ, ताकि लीव्स को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइबर्स हैं वो किसमें एबसेंट होते हैं, लीव्स में एबसेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे और भी चीजें लिखी हैं कि जो जाइलम है, ठीक है, जैसे कोनिफर्स क्या है, कोनिफर एक तरीके का जिम्नोस्पर्मिक है, तो इसमें जो वेसल्स है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, जाइलम फाइबर्स इसमें एब्सेंट होता है। जाइलम क्या है, जाइलम बहुत ही सिंपल और होमोजेनस सेल्स है, ठीक है, जाइलम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल होता है और होमोजेनस होता है, यानी एक जैसी जितनी भी सेल्स होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके जाइलम है इन कोनिफर्स, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिकीड्स, ठीक है, और जो ट्रिकीड्स होती है उनकी वॉल्स बहुत थिक होती है, बॉर्डर्स होते हैं उसमें, और उसमें पेरेन्काइमेटर्स होते हैं, ठीक है, और ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ट्रिकीड्स बेसिकली, इसके जो ट्रिकीड्स हैं जाइलम में, जो ट्रिकीड्स होते हैं उनका दो काम होता है, एक तो होता है वॉटर का कंडक्शन और दूसरा होता है फिजिकल सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे पूछा है जो क्वेश्चन कि फाइबर्स किस में एब्सेंट होते हैं, तो आंसर हो जाएगा लीव्स, ठीक है, सॉरी आंसर हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम और लीव्स में तो होते हैं, फाइबर्स होते हैं तभी तो वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर, देखिए पोटैटो ट्यूबर आपको आलू का छिलका दिख रहा है जो हम रोज छीलते हैं और सब्जियां बनाते हैं, तो ये जो पोटैटो ट्यूबर होता है, यहाँ पे आपको देखिए पहले पोटैटो का देखिए क्या क्या, इसमें एपिकल बर्ड है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये लेटरल बर्ड है जिसमें आपको इस तरीके से आईज जैसा दिख रहा है, दीज आर द लेटरल बर्ड, ठीक है, सिंपल छेद है उसमें, तो उसको आपको हो गया एपिकल बर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो साइड साइड में आपको कुछ छेद छेद दिखते हैं छोटे छोटे, उसको आप लेंटिसल्स कहोगे, जहां से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज द पेरिडर्म, जो उसकी स्किन होती है, ठीक है, यही पूछा है कि जो हम रोज उसकी स्किन को पील करते हैं हम एक्चुअली क्या रिमूव कर रहे होते हैं, तो हम रिमूव कर रहे होते हैं उसका पेरिडर्म, ठीक है, सिंपल यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स ऑलवेज डिवाइड्स बाय एंटीक्लाइनल सेल डिविजन, तो एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन होता कैसा है पहले वो समझते हैं। एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन जो है, मान लीजिए आपकी कोई सेल है, तो उस सेल में अगर इस सेल में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रहा है तो आप कहोगे ये पेरिक्लाइनल डिवीजन है, और अगर इसी सेल में इस तरीके से डिवीजन हो रहा है तो इसको आप कहोगे एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है। तो मान लीजिए नॉर्मली सेल्स क्या है, ये सेल है, ये सेल हमेशा इस तरीके से पहले डिवाइड करती है, लेकिन अगर इस तरीके से डिवाइड करते करते कोई सेल इस तरीके से डिवाइड कर जा रही है, समझ जाओ यहाँ पे जो डिवीजन है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स, रूट कैप, प्रोटोडर्म और फेलोजेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स, ये सिंपल सेल डिवीजन करता है, जबकि रूट कैप है वहां पे कौन सी सेल्स होती है, वहां पे मेरिस्टमैटिक सेल्स होती है, मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टमैटिक सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं बेसिकली, ठीक है। फिर उसका उसके बाद आपका जो है फेलोजन है, फेलोजन क्या है, फेलोजन जो है वो कॉर्क कैम्बियम बनाता है, तो कॉर्क कैम्बियम आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा, और सेल डिवाइड करेगा तो एक जो है ऊपर की तरफ डिवीजन होगा और एक नीचे की तरफ डिवीजन होगा, वो हमने आपको बता दिया कि नीचे की तरफ जैसे डिवीजन होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा, वो सारी चीजें होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पूछा है कि एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन जो है वो किसमें होता है, तो एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन यहाँ पे होगा आपका, चार ऑप्शन दिया है ना, तो एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन है आपका डी में, फेलोजन, ठीक है, यहाँ पे एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, क्योंकि आपका ये अगर एक लेयर वाली सेल्स हैं
एक लेयर की सेल्स हैं, तो इसमें ऊपर की तरफ भी डिवीजन हो रहा है, इसमें नीचे की तरफ भी डिवीजन हो रहा है। तो यानी बेसिकली सीधा सीधा डिवीजन होते होते एक उल्टा डिवीजन भी हो जाता है, इसको हम कहते हैं एंटीक्लाइनल, और ये पाया जाता है फेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। एक्सटेंड बहुत ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी जाइलम में जो होता है उसका फेट क्या है। ठीक है, तो फेट तो सिंपल सा ये है कि जितना प्राइमरी जाइलम में जितना डिवीजन होता रहेगा, सेकेंडरी ग्रोथ जितनी होती जाएगी, वो सब का सब सेंटर ऑफ द एक्सिस में रिटेन्ड होता जाएगा। इसलिए देखिए बीच की तरफ जो है काफी हार्ड सब्सटेंस बनता चला जाता है, क्रश्ड नहीं होता, वो तो बाहर की लेयर होती है। मे और मे नॉट गेट क्रश्ड, ये क्रश्ड होता ही नहीं है। इट गेट्स सराउंडेड बाय प्राइमरी फ्लोएम, नहीं, ये जो है सेंटर ऑफ द एक्सिस में रिटेन्ड होता चला जाता है, ये इसका फेट है। ठीक है, सेंटर ऑफ द रूट है, या जो सेकेंडरी ग्रोथ जो भी आपका प्राइमरी फ्लोएम में है, वो सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बाहर की तरफ होगा, लेकिन जो प्राइमरी जाइलम है वो अंदर की तरफ ही रह जाएगा। तो प्राइमरी जाइलम का ही तो फेट पूछ रहे हैं, तो प्राइमरी जाइलम का फेट यही है कि वो सेंटर ऑफ द एक्सिस में रिटेन रहेगा। सो विद दिस, थैंक यू, एंड चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, उसके कुछ एमसीक्यूज भी। ओके, सो टिल देन बाय।